फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण है, उनके सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण की, वो होती है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, जहाँ पे फ्रेंड्स पी क्यू एंड आर जो होते हैं वो एक्स के फलन होते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें ये मेथड पढ़ते हैं। पहला मेथड आपके रैखिक अवकल समीकरण का पूर्ण हल ज्ञात करना, जबकि पूरक फलन में विद्यमान एक समाकल ज्ञात हो। हमारे पास पूरक फलन में से जो सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास ज्ञात होगा। टू फाइंड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन द इंटीग्रल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन। फ्रेंड्स, हमारे पास सबसे पहले जो इक्वेशन होती है वो किस टाइप में होती है, वो होती है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। मान लिया हमें वाई बराबर यू पूरक फलन का एक भाग है, ये हमने मान लिया कि ये पूरक फलन, इसका जो पूरक फलन का सॉल्यूशन आ रहा है वो ये है, एंड वाई बराबर यू भी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं जो पूरक फलन होता है वो पूरक फलन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। वो तब निकालते हैं जब हम आर इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं। तो हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू जीरो। फिर इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। इक्वेशन नंबर टू, इसका जो सॉल्यूशन है वो यू है, वाई बराबर यू है इसका सॉल्यूशन है। अब इसका सॉल्यूशन यू है तो ये जो इक्वेशन यू होगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस क्यू यू इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर थ्री दे देते हैं इसको हम। अब फिर हमने जब सॉल्यूशन माना है वाई बराबर यू वी, ये हमने पूरा सॉल्यूशन माना है, तो ये सॉल्यूशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। तो इसका इसके लिए हमें वाई बराबर यू भी है तो हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना पड़ेगा। सर, वाई बराबर तो यू भी डी वाई अपॉन डी एक्स क्या, तो ये आ गया अपने पास। फ्रेंड्स, सबसे पहले यू को छोड़ के डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी को छोड़ के डी यू अपॉन डी एक्स। अब फ्रेंड्स, हमने निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए यू को छोड़ दिया डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस इस बार इसमें हमने डी वी अपॉन डी एक्स को छोड़ दिया, ये आ गया डी यू अपॉन डी एक्स प्लस इसी तरह इस बार हमने वी को छोड़ दिया, तो वी को छोड़ के डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस इस बार डी यू अपॉन डी एक्स को छोड़ दिया, तो ये आ गया डी यू अपॉन डी एक्स डॉट डी वी अपॉन डी एक्स। तो फ्रेंड्स, ये आ गया अपने पास यू डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी यू अपॉन डी एक्स, टू डी यू अपॉन डी एक्स एंड डी वी अपॉन डी एक्स, ये दो बार अपने पास सम कर लिया इसका हमने, प्लस वी डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब फ्रेंड्स, ये आ चुका है अपने पास। अब हमारे पास ये वैल्यू है, अपने पास ये वाई बराबर वैल्यू है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वैल्यू है एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर वैल्यू है अपने पास। क्वेश्चन नंबर फोर दे देते हैं। अब हम ये क्वेश्चन तीनों वाई बराबर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स एंड डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये तीनों वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो ये आ जाएगा अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट करने पर यू डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी यू अपॉन डी एक्स डी बी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस। फ्रेंड्स, ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे, इस इक्वेशन में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वैल्यू पुट कर चुके हैं। अब हमें पुट करना है पी डी वाई अपॉन डी एक्स, पी तो ये रहा और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू अपने पास ये रहे, तो ये आ गई अपने पास यू डी बी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस। अब फ्रेंड्स, हमने क्यू की वैल्यू अपने पास पुट करनी है तो वो आ जाएगा यू वी वाई इक्वल टू आर। फ्रेंड्स, अपने पास ये इक्वेशन आ चुकी है। अब फ्रेंड्स, हमारे पास जब ये इक्वेशन आ चुकी है तो अब उस इक्वेशन को अब रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करते हैं तो उसको किस तरह रीअरेंज कर, रीअरेंज इस तरह से करना है हमें कि वो कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन बन जाए जो अपने पास ये हमने यूज किया है ये हमारे पास जीरो आ जाए, कहीं ये इक्वेशन हमारे पास ऐसे आ जानी चाहिए जिससे हमारे पास सॉल्यूशन करने में इजी हो जाए। अब ये सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स हम रीअरेंज करते हैं, तो रीअरेंज के लिए ये आ जाता है डी सॉरी यू डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वी अपॉन डी एक्स
टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस पी यू प्लस वी। एंड जस्ट फ्रेंड्स, यहाँ से वी हमने सब में से कॉमन ले लिया है, वी यहाँ से भी कॉमन ले लिया है हमने, यहाँ से भी कॉमन ले लिया है, यहाँ से भी कॉमन ले लिया है। तो हमारे पास अंदर जो बचा है वो बचा है अपने पास डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस क्यू यू इक्वल टू आर। फ्रेंड्स ये अपने पास बचा हुआ है। अब फ्रेंड्स अपने पास यहाँ पे अपने पास ये इक्वेशन नंबर थ्री क्या कहती है, इक्वेशन नंबर थ्री के अकॉर्डिंग अपने पास ये पी डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी एक्स प्लस क्यू यू इक्वल टू जीरो है। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे ये जो इक्वेशन आ गई ये अपने पास जीरो हो गया। तो अपने पास ये बच गया यू डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वी अपॉन डी एक्स टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस पी यू इक्वल टू आर। अपने पास अब ये आ चुका है फ्रेंड्स। इसको हम अगर यू को हम दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है अपने पास डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे अंदर जाके तो ये तो यू आ जाएगा टू अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस पी इक्वल टू आर अपॉन यू, ये आ चुका है। अब फ्रेंड्स यदि हम डी वी अपॉन डी एक्स इसको हम अगर पी मान लें, लेट डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू पी, देन अपने पास डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगा अपने पास। तो फ्रेंड्स अपने पास इक्वेशन आ जाएगी डी पी अपॉन डी एक्स, इसको फ्रेंड्स हम इक्वेशन नंबर फोर फाइव दे देते हैं, फाइव ये आ गया डी पी अपॉन डी एक्स प्लस ये क्या हो गया अपने पास फ्रेंड्स, ये कैपिटल पी है, कैपिटल पी, ये स्मॉल पी है अपने पास। तो ये आ गया अपने पास पी प्लस टू अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स। एंड फ्रेंड्स ये आ गया अपने पास ये डी वी अपॉन डी एक्स को पी माना हमने स्मॉल पी इक्वल टू आर अपॉन यू, ये आ चुका है हमारे पास, जो कि फ्रेंड्स अपने पास पी की टर्म में, पी की टर्म में, इस पी की टर्म में अपने पास एक रैखिक समीकरण है जिसका हम समाकलन गुणांक क्या होता है, इसका सॉल्यूशन सिंपल समाकलन गुणांक से कर सकते हैं। समाकलन गुणांक आई एफ क्या होता है इसका सॉल्यूशन करने के लिए इक्वेशन नंबर सिक्स। अब इसका सॉल्यूशन कर देता है, इसका आई एफ होता है वो होता है अपने पास एक्सपोनेंशियल ऑफ इसका इंटीग्रेशन पी प्लस टू अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स ऑफ डी एक्स, फ्रेंड्स ये होता है अपने पास। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सिंपली क्या करना होगा, एक्सपोनेंशियल डी एक्स के अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया अपने पास पी ऑफ डी एक्स प्लस टू अपॉन यू डी यू। अब फ्रेंड्स ये अपने पास क्या आ गया, इसका हम इंटीग्रेशन करना है हमें, तो पी ऑफ डी एक्स ये तो इसको सिंपली हम पी ऑफ डी एक्स लिख देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टू लॉग यू, इंटीग्रेशन कर दिया यहाँ पे टू लॉग यू। तो फ्रेंड्स अपने पास ये आ चुका है यू स्क्वायर ई की पावर पी ऑफ डी एक्स, फ्रेंड्स ये इसका आई एफ आ चुका है, इक्वेशन नंबर सिक्स का ये आई एफ है। अब समीकरण के जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं वो किस तरह से निकालते हैं, उसके निकालते हैं सिंपली जो डी वाई अपॉन डी एक्स होता है उस कंडीशन में वाई डॉट आई एफ इक्वल टू सम इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डॉट आई एफ ऑफ डी एक्स, ये कर देते हैं हम। तो इस कंडीशन में हमारे पास ये पी का फंक्शन है तो पी डॉट यू स्क्वायर ई की पावर पी ऑफ डी एक्स प्लस नहीं सॉरी इक्वल टू ये टर्म क्या है, यहाँ पे क्यू बराबर आर अपॉन यू है तो ये हो गया आर अपॉन यू यू स्क्वायर ई की पावर पी ऑफ डी एक्स, ये हो गया अपने पास इस तरह से इंटीग्रेशन है। अब फिर से हमें इसका इंटीग्रेशन करना है या इसके लिए हम सिंपली पी बराबर ये भी लिख सकते हैं प्लस सी वन, क्योंकि कोई कांस्टेंट आएगा प्लस सी वन आ जाएगा यहाँ पे, सी वन एड हो के आ गया। तो फ्रेंड्स ये आ गया अपने पास
पी बराबर 1/u² ई की पावर माइनस पी ऑफ dx इंटीग्रेशन ऑफ आर यू से ये क्यू चला जाएगा, तो आर ई की पावर आर यू पी ऑफ dx प्लस c1। अब यहाँ पे हमने इसका डिवाइड किया है तो यहाँ पे भी इसका डिवाइड लगेगा, तो यह आ जाएगा c1 ये u² नीचे एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस पी डी एक्स, ये हो जाएगा फ्रेंड्स अपने पास। फ्रेंड्स ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसको आराम से। फ्रेंड्स इसको हम क्वेश्चन नंबर 7 दे देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 से हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन नंबर 7 इससे पी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। इस क्वेश्चन से अपने पास पी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं हम। अब ये निकालने के बाद जब ये वैल्यू आ जाती है तो हमारे पास सिंपली dv/dx बराबर p है अपने पास, तो उस कंडीशन में उसमें हमें वैल्यू पुट करके v की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और v की वैल्यू आएगी वो आएगी अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ dx प्लस c2, ये कोई कांस्टेंट होगा। इस तरह से इक्वेशन इक्वेशन नंबर 8 आएगी जो कि अपने पास v की वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद y बराबर u.v, ये हमारे पास इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देंगे, वाई बराबर यू डॉट वी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देंगे। इसको हम आगे कुछ एग्जांपल्स में एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं इसको। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि अगर पूरे फलन हमें कैसे ज्ञात कर सकते हैं, पूरे फलन का पार्ट हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। टू टू फाइंड द इंटीग्रल बिलोंगिंग टू CF बाई इन्फेक्शन। अभी हम देखते हैं जैसे हमारे पास इक्वेशन जो दी हुई होती है वो इस टर्म में दी हुई होगी। सी एफ निकालने के d²y/dx² प्लस p dy/dx प्लस q y=0, ये होता है अपने पास। अब फ्रेंड्स अगर y बराबर e की पावर mx इसका एक सॉल्यूशन होगा अपने पास। अगर इस कंडीशन में हमारे पास कोई सॉल्यूशन है ये चेक करने के लिए कि अगर ये सॉल्यूशन होगा या नहीं, तो हम सिंपली हम d ये है इस तरह कोई सी एफ निकाल सकते हैं वो देखने के लिए। dy/dx बराबर क्या हो जाता है, एम ई की पावर एम एक्स एंड d²y/dx² बराबर हो जाएगा m² ई की पावर एम एक्स, ये हो जाएगा। फिर सब ये इक्वेशन इसमें ये वैल्यू इसमें इक्वेशन में पुट करने पे अपने पास आ जाता है m² ई की पावर एम एक्स प्लस पी ई की पावर पी एम ई की पावर एम एक्स प्लस क्यू ई की पावर एम इक्वल टू 0। अब e की पावर एम एक्स हम कॉमन ले सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ से, तो ये हो जाएगा m² प्लस pm प्लस q emx इक्वल टू 0। फ्रेंड्स emx e की पावर mx से कभी 0 नहीं हो सकता, अगर तो हमारे पास क्या आ गया कंडीशन m² प्लस pm प्लस q इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स इससे हमारे पास ये पता चलता है अगर कहीं पर हमारे पास e की पावर mx कोई सॉल्यूशन है, या m1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 कुछ भी हो सकता है, अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन अपने पास है सॉल्यूशन विद्यमान है, तो उस कंडीशन में m² प्लस pm प्लस q इक्वल टू 0 ये अपने पास सेटिस्फाई करेगा, ये हम चेक कर सकते हैं। इसी तरह हम ये चेक कर सकते हैं अगर y बराबर mx वाली टर्म हो, तो हमारे पास y बराबर mx कोई अगर इस तरह कोई सॉल्यूशन होगा अपने पास, तो उस कंडीशन में अपने पास फ्रेंड्स सॉरी y बराबर x की पावर m इस तरह का कोई अपने पास सॉल्यूशन है, तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स हम आराम से चेक कर सकते हैं, वो आ जाएगा m m-1 प्लस pmx प्लस qx² इक्वल टू 0। अगर ये अपने पास सॉल्यूशन के m m अगर कोई भी नंबर हम रखने पर इस तरह से नंबर रखने पे हमारे पास 0 आ जाता है उस इक्वेशन का, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो y बराबर x पावर m है उसका एक cf का एक पार्ट है, और उस कंडीशन में हम सिंपली y बराबर v.x की पावर m एक सॉल्यूशन मान लेते हैं। फिर से अपने पास ये क्वेश्चन दी हुई है, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व x²y/dx² -2x-1 dy/dx प्लस x-1 y=0, ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे दी गई है। अब सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बदलने के लिए एक्स का हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो एक्स से हमें डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा d²y/dx² -2 -1/x dy/dx प्लस 1 -1/xy=0। अब फिर से हम यहाँ पे देख सकते हैं p बराबर अपने पास वो है अपने पास माइनस
टू माइनस वन अपॉन एक्स एंड क्यू बराबर अपने पास वन माइनस वन अपॉन एक्स। फिर सी अपने पास है, अब फिर से मैं या पी को और अच्छी तरह से लिखना चाहिए, ये लिख सकते हैं माइनस टू प्लस वन अपॉन एक्स एंड क्यू बराबर लिख सकते हैं वन माइनस वन अपॉन एक्स। अब फिर से हम अगर देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली, अगर हम इसमें वन प्लस एम प्लस एक्स सॉरी वन प्लस पी प्लस क्यू, यानी कि हम इस टर्म में पहुँच जाए एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू, जहाँ पे एम बराबर हम वन पुट कर दें, तो हमारे पास ये एम बराबर वन पुट करने पे जैसे एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू, इसमें हम अगर एम बराबर वन पुट कर रहे हैं एम बराबर वन पे, तो यह आ जाता है वन माइन वन प्लस पी एक्स प्लस क्यू। तो हम देखते हैं वन प्लस प्लस करते हैं तो ये प्लस माइनस साइन है, तो वन माइनस टू प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स जो कि जीरो आ रहा है, ये जीरो आ गया फ्रेंड्स। तो हम कह सकते हैं वाई बराबर ई की पावर एक्स, इसका एक कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होगा, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन ये हमारे पास निकाल चुके हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन का एक पार्ट होगा। अब हमें इसका पूरक फलन निकाल, अब इस पूर्ण कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है, कंप्लीट सॉल्यूशन वो निकालने के लिए फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, वाई बराबर ये तो यू और वी वैल्यू लेते हैं हम, तो वाई बराबर यू तो अपने पास ही आ गया ई की पावर एक्स एंड वी, ये हमारे पास सॉल्यूशन मान लिया हमने फ्रेंड्स, हमने वाई बराबर ई की पावर एक्स वी सॉल्यूशन माना है। तो अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है इसके लिए हमें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो ज़रूरत है वो है अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स की एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दोनों की हमें ज़रूरत है तो हमें ये निकालने हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सिंपली ई की पावर एक्स को छोड़ दो तो ये जगह डी वी अपॉन डी एक्स, इस बार हमने वी इसको छोड़ दिया, वी को छोड़ दिया तो ये आ गया, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स होता है तो वी ई की पावर एक्स, अब निकालना हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो वो आ जाएगा मेरे पास फ्रेंड्स, इस बार हमने ई की पावर एक्स को छोड़ा है तो आ जाएगा डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस इस बार हमने ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है डी वाई वी अपॉन डी एक्स को छोड़ दिया, तो अभी आ गया अपने पास डी वी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स, सिंपली इसी तरह हम करेंगे तो यहाँ पे इसको ई की पावर एक्स को छोड़ के करेंगे तो डी वी अपॉन डी एक्स ये आ जाएगा, तो इसको टू से हम लिख सकते हैं प्लस वी ई की पावर एक्स, ये आ गया फ्रेंड्स अपने पास। अब ये वैल्यू हमें इक्वेशन इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, इस इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन थी हमें इसमें ये वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये पुट करने पर अपने पास आ जाएगा डी स्क्वायर सॉरी ई की पावर एक्स डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस वी ई की पावर एक्स प्लस, अब यहाँ पे माइनस सॉरी माइनस है माइनस टू माइनस वन अपॉन एक्स, तो ये वैल्यू पुट करनी है तो माइनस टू अपॉन वन माइनस एक्स, इधर लिख देते हैं हम बाकी टर्म जो मल्टीप्लाई में हो रहा है वो है अपने डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या अपने पास ये रहा है ई की पावर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी ई की पावर एक्स, ये रहा प्लस आर क्या अपने पास फ्रेंड आर क्यू है, जो अपने पास क्यू है वो अपने वन माइनस वन अपॉन एक्स, तो ये गए वन अपॉन वन माइनस एक्स एंड जो ये अपने पास ये आ गया ई की पावर एक्स वी, ये आ चुका है अपने पास फ्रेंड्स। अब हमें रीअरेंजमेंट रीअरेंज करना है, जो कि हमने सबसे पहले पढ़ा था उसी तरह रीअरेंज करना है इसको, तो फ्रेंड्स रीअरेंज करेंगे तो सिंपली ई की पावर एक्स हमने देख सकते हैं ई की पावर एक्स सभी जगह से कॉमन लिया जा सकता है, तो ई की पावर एक्स को हम कॉमन ले देंगे तो वो तो अपने पास ये हो जाएगा ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया तो ये हो गया डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी प्लस टू माइनस वन अपॉन एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स वी, और जो ई की पावर एक्स है उसको हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं ई की पावर एक्स इक्वल टू जीरो। अब फ्रेंड्स ये तो जीरो होगा नहीं अपने पास की ई की पावर एक्स, तो ये अपने पास जीरो होगा तो अब इसको हम इक्वल टू जीरो लिख देंगे अगले टर्म में, उसके बाद ये आ जाएगा अपने पास, इसको हम रीअरेंज करना है, रीअरेंज इस तरह से करना है कि जो हमारे पास ये आई थी अपने पास फर्स्ट कंडीशन जो आई थी
भाई बराबर ई की पावर एक्स से जो सॉल्यूशन आया था वो इस तरह से, ये सॉल्यूशन इस तरह से कट जाएगा कहीं ना कहीं। अब सिंपली हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखते हैं हम ये क्या होता है। डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dv अपॉन डी एक्स प्लस वी, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये आ जाएगा अपने पास प्लस 2 dv अपॉन डी एक्स प्लस 2v। अब माइनस 1 अपॉन एक्स का क्या, तो माइनस 1 अपॉन एक्स dv अपॉन डी एक्स माइनस, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा माइनस वी अपॉन एक्स। अब फिर इसका अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा अपने पास प्लस 1 अपॉन वी, सॉरी वी, ये वी आ जाएगा, वी ये आ जाएगा माइनस वी अपॉन एक्स, ये आ गया फ्रेंड्स अपने पास। और फ्रेंड्स यहाँ पे अपने पास माइनस साइन था, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन था, तो ये माइनस साइन की वजह से अपने पास यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, ये अपने पास आएगा। अब फ्रेंड्स हम देख सकते हैं क्या क्या कट जाता है, तो इसे ये कट गया अपने पास वी वी एंड ये 2 वी, ये गया अपने पास डी वी अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स गया अपने पास, ये आ गया अपने पास फ्रेंड्स, जो बच के आया है वो आया अपने पास डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। फ्रेंड्स ये अपने पास बच के आ गया है। अब हमें सिंपली डी वी अपॉन डी एक्स को हम क्या मान लेते हैं, लेट डी वी अपॉन डी एक्स बराबर पी, तो ये अप्लाई करता है अपने पास डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी पी अपॉन डी एक्स, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन कर दिया हमने यहाँ पे, ये आ गया, तो ये आ जाएगा अपने पास डी पी अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स पी इक्वल टू 0, ये आ गया अपने पास। अब फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन हम सिंपली निकाल सकते हैं, इसको हम इस साइड में ले जाते हैं, तो ये आ जाता है डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स पी। अब हमें पी को नीचे ले जाना है, एक्स इस डी एक्स को इधर ले जाना है, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन पी ऑफ डी पी माइनस, सॉरी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स ऑफ डी एक्स। अब फिर इसका हमें इंटीग्रेशन कर देना है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास आ जाएगा, वो आएगा लॉग पी इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी वन। अब इसको हम लॉग वाइल माइनस लॉग एक्स को इधर ले ला रहे हैं, तो यह आ जाएगा लॉग पी प्लस लॉग एक्स इक्वल टू लॉग सी। फ्रेंड्स यहाँ पे लॉग पी एंड लॉग एक्स है, तो लॉग एम डॉट, सॉरी लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर क्या होता है, लॉग एम डॉट एन, तो ये उससे आ जाएगा लॉग पी एक्स बराबर लॉग सी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एंटी लॉग ले लिया है, तो एंटी लॉग लेने पर आ जाएगा पी एक्स बराबर सी, ये आ चुका है अपने पास। दिव्य दृष्टि से वाण शक्ति से जीते ये सारा रंच,
अब फिर से मैं आगे जो पढ़ना है वो है अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है। अगर यहाँ पे अपने पास इस एग्जांपल में हमने जो पढ़ा था वो इस तरह से पढ़ा था कि अगर आर इक्वल टू जीरो है, हमने यहाँ पे आर बराबर जीरो वाले हमने एग्जांपल लिया था। अब हम एग्जांपल लेते हैं अगर आर इक्वल नॉट जीरो हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको। तो उसको सॉल्व करने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू एक्स क्यूब ई की पावर एक्स। फ्रेंड्स ये अपने पास एग्जांपल है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास है सिंपली सबसे पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही बदलना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए हमें इसमें एक्स स्क्वायर का दोनों तरफ डिवाइड करना होगा। तो आ जाएगा अपने पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ पे हमने डिवाइड किया तो आ जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स। ये आ गया अपने पास। फिर से हम यहाँ से देख सकते हैं पी बराबर है अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म से, हमने इसकी कंपैरिजन करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म से पी बराबर है माइनस वन माइनस टू अपॉन एक्स एंड क्यू बराबर है अपने पास वन अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये अपने पास। अब फिर से हम सिंपली देख सकते हैं अगर हम पी प्लस एक्स सॉरी 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 क्यू प्लस पी एक्स कर दें, हम क्यू प्लस पी एक्स सॉरी फ्रेंड्स अगर हमें आप पी प्लस क्यू एक्स कर दें, पी प्लस क्यू एक्स कर दें तो इस कंडीशन में हमारे पास जीरो आ जाएगा। पी प्लस क्यू एक्स करने पर यह आ जाएगा अपने पास माइनस वन माइनस टू अपॉन एक्स, इसमें हमने एक्स का मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा प्लस वन प्लस टू अपॉन एक्स, तो ये अपने जीरो आ गया। तो अपने पास वाई बराबर एक्स है वो सी एफ का एक पार्ट होगा, हमें ये पता चल गया इससे जो वाई बराबर एक्स सी एफ का एक पार्ट होगा। तो इस कंडीशन में अब ये पता चल गया। तो हमें निकालना है अपने पास सॉल्यूशन, मान लेते हैं लेट वाई बराबर यू वी इज कंप्लीट सॉल्यूशन, हमने ये कंप्लीट सॉल्यूशन मान लिया वाई बराबर यू वी। तो यहाँ पे यू बराबर क्या है एक्स, तो वाई बराबर एक्स वी, ये अपने पास सॉल्यूशन हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं, इक्वेशन नंबर टू दे देते हैं, ये आ गई है हमने पास इसका सॉल्यूशन मान लिया हमने वाई बराबर एक्स भी। अब हमें इसमें इसको निकालने के लिए हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिएगा एंड डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिएगा। तो सिंपली डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला हमने तो ये आ गया, हमने एक्स को छोड़ दिया तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस इस बार वी को छोड़ दिया तो यह डी एक्स अपॉन डी एक्स वन हो जाएगा तो वी आ गया। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाला तो ये आ जाएगा अपने पास सिंपली एक्स, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है तो ये आ जाएगा एक बार एक्स को छोड़ के डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इस बार हमने एक्स का क्या है डी वी अपॉन डी एक्स को छोड़ दिया तो डी वी अपॉन डी एक्स आएगा। इसी तरह सिंपली यहाँ पे भी डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा तो टू बार लिख लेते हैं इसको। ये आ गया इक्वेशन नंबर थ्री। फ्रेंड्स ये अपने पास इक्वेशन नंबर थ्री आ चुकी है। अब ये तीनों इक्वेशन मतलब ये वाई की वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, इन तीनों की वैल्यू हमें इसकी 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 वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। तो अपने पास क्या जाता है वो एक्स डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वन प्लस टू अपॉन एक्स एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी प्लस यहाँ पे अपने पास क्या है वन प्लस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर
एंड वाई की वैल्यू अपने पास क्या है, वाई की वैल्यू अपने पास एक्स भी इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स, ये अपने पास। अब फ्रेंड्स जब ये है अपने पास तो हमें क्या करना है, इसमें सिंपली अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे कुछ हमारे पास कट जाएगा। तो एक्स डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dv अपॉन डी एक्स माइनस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स माइनस इसका पहले इसका एक का क्या है, फिर अब इससे कर रहे हैं एक से इसका तो माइनस बी, अब इसका कर रहे हैं तो ये आ जाएगा प्लस 2 dv अपॉन डी एक्स, सॉरी माइनस, फिर माइनस 2v अपॉन एक्स। अब हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई किया है तो ये आ जाएगा अपने पास प्लस v, एंड इसके अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2v अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स, ये आ गया। अब फिर से हम देखते हैं इसमें से ये dv अपॉन dx ये कट गया, टू डी बी अपॉन डी एक्स से ये 2 dv अपॉन डी एक्स कट गया, ये -2 dv अपॉन डी एक्स से +2 v अपॉन dx कट गया, ये कट चुके हैं, -v से +v कट गया। तो अपने पास जो आ गया वो आ गया निकल के एक्स डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स। फ्रेंड्स इसमें इस कंडीशन में हमारे पास एक बात ध्यान रखने वाली बात है, जो अपने पास वो है कि इसमें जो भी हमारे पास एक्स की टर्म होगी, एक्स यानी एक्स या वी की टर्म होंगे मल्टीप्लाई में, इस तरह की टर्म होंगी वो कट जाएंगे, हमारे पास d² b अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड डी बी अपॉन डी एक्स की ये वाली टर्म बचेंगी। तो हम अब ये हमारे पास बच चुका है इसमें, फ्रेंड्स ये बच चुका है। फिर अब जब अपने पास ये क्वेश्चन आ चुके हैं तो हम इसमें एक्स का दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाता है अपने पास d² b अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, यह आ चुका है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब इसको सॉल्यूशन सॉल्यूशन निकालने के पास हमारे पास कई तरीके हैं, एक तो हम सिंपली इस तरीके से निकाल सकते हैं जो हम पहले कर रहे थे, ये कर सकते हैं हम dv अपॉन डी एक्स बराबर p मान लें, या हमें जो हमें सबसे पहले वो पढ़ा था हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के से e की पावर x वाला टर्म था 1 अपॉन f(d) ऑफ qx, ये वाली हम टर्म पढ़ चुके हैं, उससे भी हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले इस टर्म से हम निकाल के बता रहे हैं, सबसे पहले dv अपॉन dx बराबर p मान लिया, तो ये हमारे पास आ गया dp अपॉन dx माइनस p इक्वल टू e की पावर x, ये आ चुका है फ्रेंड्स अपने पास। तो इससे हमारे पास ये dp का इक्वेशन आ गया, तो हम इसके if निकालना पड़ेगा। if क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ -p ऑफ dx, जो हो जाएगा अपने पास मैं यह पी, ये पी नहीं है, ये वाला पी नहीं है, यहाँ पे जो वो है जो कौन इससे जो कोफिशेंट है ये पी स्मॉल पी है, सॉरी ये अगर कैपिटल ये स्मॉल पी है तो ये कैपिटल पी है ये, तो इस तरह से ये आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इस तरह से, क्यों 1 है तो ये ई की पावर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, सॉरी ई की पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स, ये आ जाएगा। अब हम सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन वो होता है अपने पास, वो होता है ई की पावर माइनस एक्स पी इक्वल टू जो राइट हैंड साइड में ई की पावर एक्स एंड जो अपने पास आया है ई की पावर माइनस एक्स ऑफ डी एक्स, ये आ गया। तो इसको हम सिंपली ई की पावर माइनस एक्स पी प्लस c1 कोई कॉन्स्टेंट है, ये आ गया ई की पावर माइनस एक्स और ई की पावर एक्स क्या आ गया, ये 1 आ जाएगा तो इसका हो जाएगा एक्स प्लस c1, ये आ गया। तो p बराबर आ गया अपने पास फ्रेंड्स एक्स ई की पावर एक्स प्लस c1 e की पावर x, ये आ चुका है अपने पास। अब हमें पी की वैल्यू क्या है अपने पास, पी बराबर है dv अपॉन dx, तो वो वैल्यू पुट कर दी तो ये आ गया एक्स ई की पावर एक्स प्लस c1 e की पावर x, या dv बराबर आ गया अपने पास एक्स ई की पावर एक्स प्लस c1 e की पावर x ऑफ dx। अब इंटीग्रेशन कर दिया हमने, इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो v इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 e की पावर एक्स प्लस c1 e की पावर x प्लस c2, ये कॉन्स्टेंट अलग से आ गया। अब फ्रेंड्स e की पावर x और e की पावर x यहाँ पर है तो हम v बराबर क्या लिख सकते हैं x माइनस 1 प्लस c1 e की पावर x प्लस c2, जहाँ ये अपने पास कॉन्स्टेंट है तो c1 माइनस
वन इक्वल टू सी टू डैश, अलग से हम कॉन्स्टेंट दे दिया हमने, तो ये आ गया बी बराबर एक्स प्लस सी टू डैश ई की पावर एक्स प्लस सी वन, ये हमने दे दिया। और सॉल्यूशन था अपने पास वो था वाई बराबर एक्स बी, ये अपने पास सॉल्यूशन था, तो वाई बराबर ये आ गया सॉल्यूशन एक्स एक्स प्लस सी टू डैश ई की पावर एक्स प्लस सी वन। फ्रेंड्स ये अपने पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ चुका है। फ्रेंड्स ये हमने एग्जांपल लिए थे, राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जांपल्स हैं। फ्रेंड्स इन एग्जांपलों से रिलेटेड और एग्जांपल जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में आए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम उनको सॉल्व करके दिखाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट जो अपना नेक्स्ट मेथड जो होगा वो होगा अपने पास प्रथम अवकलज को हटाना, यानी कि प्रथम चरण जो परिवर्तन करके हम जो अपने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं उस तरह के हम सॉल्यूशन निकालेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।